हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सूक्ती रूपी अमृत की गंगा धारा हमारे जीवन को बदल देती, हमारे जीवन को मूल्यों से भर देती। कुछ पद्य हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि चाणक्य नीति और हितोपदेश से लिए गए हैं। तो आओ देखते हैं पांचवा श्लोक। कुसुम स्तबकस्य द्वयी वृत्ति मनस्विना सर्वेषां मूर्धिना वा तिष्ठेत विशीर्येत वने अथवा। कुसुम स्तबकस्य फूलों के गुच्छे के समान द्वयी दो वृत्ति व्यवहार मनस्विना मनस्वी का सर्वेषां सभी के मूर्धिना सिर पर वा अथवा तिष्ठेत ठहरे विशीर्येत बिखर जाए वने अथवा वन में अथवा वन में। अन्वय के साथ देखते हैं बेटा इसे। मनस्विना स्वाभिमानी पुरुष की कुसुम स्तबकस्य द्वयी वृत्ति भवति फूलों के गुच्छों के समान दो ही प्रकार की वृत्तियां होती है। सर्वेषां मूर्धिना वा तिष्ठेत या तो वे सभी के सिर पर बैठते हैं अथवा वने विशीर्येत अथवा वन में ही नष्ट हो जाते हैं। भाव ये है कि मनस्वी पुरुष या तो श्रेष्ठता से रहते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। ये फूलों के गुच्छों के समान सुगंधित होकर रहना चाहते हैं अथवा वन में जैसे फूल मुरझाकर बिखर जाते हैं वैसे ही ये भी नष्ट हो जाते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। धनानी जीवितम चये परार्थे प्राज्ञा उत्सृजे सत निमितम वरम त्यागो विनाशे नियते सती। अर्थ देखते हैं बच्चे इसके। धनानी धन जीवितम जीवन च और एव ही परार्थे पर जमार्थे परार्थे दूसरे की भलाई के लिए प्राज्ञ बुद्धिमान उत्सृजे छोड़ दे सत निमितम श्रेष्ठ कार्य के लिए अच्छे उद्देश्य के लिए परम श्रेष्ठ है त्यागो त्याग विनाशे नियते सति विनाश के निश्चित होने पर। अब देखते हैं इसका अर्थ। विद्वान व्यक्ति धन और जीवन परार्थे उत्सृजित दूसरों की भलाई के लिए छोड़ दे क्योंकि विनाशे नियते सति विनाश निश्चित होने पर सलिमितम वरम त्यागो अच्छे उद्देश्य के लिए त्याग श्रेष्ठ है। तो कहने का भाव ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना धन अपना जीवन तब छोड़ दे जब उसका उद्देश्य बहुत श्रेष्ठ है। दूसरों की भलाई के लिए अच्छे उद्देश्य के लिए अगर धन और जीवन को छोड़ भी दिया जाए तो वो मनुष्य के लिए हितकर है। तो इसलिए बुद्धिमान मनुष्य विद्वान मनुष्य धन और जीवन दूसरों की भलाई के लिए उस समय छोड़ दे जब विनाश निश्चित है और उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। षड दोषा पुरुषेण ही हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घ सूत्रता। छह दोष पुरुषेण पुरुष के द्वारा ही इस संसार में हातव्या छोड़ देने योग्य चाहिए भूतिम इच्छता कल्याण चाहने वाले पुरुष के द्वारा इस संसार में छह दोष छोड़ देने चाहिए। निद्रा नींद तद्रा थकान शिथिलता भयम डर क्रोध गुस्सा आलस्यम आलस्य दीर्घ सूत्रता काम को लंबे समय तक खींचना। तो आओ देखते हैं इसका अन्वय। यही भूति मिच्छता इस संसार में कल्याण की इच्छा वाले ही इस संसार में भूति मिच्छता कल्याण चाहने वाले पुरुष के द्वारा पुरुषेण पुरुष के द्वारा निद्रा तद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता नींद थकावट शिथिलता डर गुस्सा आलस और कार्य को देर तक खींचना लंबे समय तक खींचने की प्रवृत्ति एते षड दोषा हातव्या ये छह दोष छोड़ देना चाहिए। कहने का भाव ये है अगर मनुष्य सफलता चाहता है अपना कल्याण चाहता है तो मनुष्य को छह दोषों का त्याग करना चाहिए। निंद्रा हमें नींद बहुत आती है हम सोचते हैं अरे यार अभी सो ले बाद में काम कर लेंगे तो हमें नींद को छोड़ना होगा तभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तंद्रा हमें हम हर वक्त थोड़ा सा भी काम करेंगे लगेगा थकावट हो गई यार बस कल करेंगे तो इस भावना को भी हमें छोड़ना होगा। भयम डर हमें डर लगता है पता नहीं इस काम में सफलता मिलेगी या नहीं नहीं भाई डर को छोड़ो और काम करो। क्रोधम क्रोध को छोड़ना होगा मान लो मैंने कोई काम किया और मुझे सफलता नहीं मिली तो मुझे गुस्सा आ जाता है तो ऐसा नहीं सोचना
क्रोध को छोड़ो, करते जाओ, सफलता अवश्य मिलेगी। आलस्यम, आलस को भी छोड़ो, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति बहुत आलसी होती है। अभी ये काम कर लूंगा यार, कर लूंगा अभी, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, इस तरह की प्रवृत्ति का भी त्याग करना होगा। दीर्घ सूत्र था कार्य को लंबे समय तक खींचना। कार्य को अगर समय पर न किया जाए तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। जैसे कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, कृषि सूखने पर वर्षा हुई तो उसका क्या फायदा, तो कार्य को समय पर करना चाहिए। तो ये छह दोष जो है ये छोड़ने योग्य है। तो आओ देखते हैं अगला श्लोक। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रिय वादिनी च वश्य च पुत्र अर्थ करी च विद्या षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। तो अन्वय के साथ देखते हैं बच्चों इसको। हे राजन, हे राजा, अर्थागमो लगातार धन की प्राप्ति, नित्यम अरोगिता अच्छा स्वास्थ्य होना, प्रिया प्रिय दर्शनी, भार्या प्रिय वादिनी च और मीठा बोलने वाली पत्नी, वश्यश्च पुत्र और वश में रहने वाला पुत्र, अर्थ करी च विद्या और धन उत्पन्न करने वाली विद्या, एते जीव लोक से षट सुखानी, ये जीव लोक के छह सुख है। तो इस श्लोक में जीव लोक के संसार के छह सुख कहे गए हैं। सबसे पहले लगातार धन की प्राप्ति, कहते ही है ना सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, तो जब धन की प्राप्ति होगी तो सब गुण अपने आप ही आ जाएंगे। दूसरा अच्छा स्वास्थ्य होना, अच्छा स्वास्थ्य मतलब अगर हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है ना, अच्छा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। अगर शरीर स्वस्थ है तो हम कार्य कर सकते हैं, बड़े आराम से कार्य कर सकते हैं। तो हमेशा स्वस्थ रहने से, स्वस्थ रहना ही जीव लोक का सुख है। प्रिय दर्शनी, जो देखने में बहुत सुंदर है ऐसी प्रिया, और जो मीठा भी बोलती है ऐसी पत्नी, मतलब दो अलग अलग चीजें, पत्नी के दो गुण बताए गए और दोनों को अलग अलग नंबर पे लिया गया है। छह सुख माने गए ना, पहला अर्थ आगमो, दूसरा नित्य अरोगिता, तीसरा प्रिया, प्रिया च लिखा है ना, तो प्रिय दर्शनी देखने में सुंदर, मन को मोहने वाली, भार्या प्रिय वादिनी च और मीठा बोलने वाली पत्नी, मतलब सुंदर भी है और मीठा बोलने वाली भी है ऐसी पत्नी, वशिष्ठ पुत्र और वश में रहने वाला पुत्र। आजकल इस कलयुग में कौन सा पुत्र वश में रहता है, जिसके वश में पुत्र है वैसा वो भी जीवन का एक सुख है। अर्थ करी च विद्या और धन उत्पन्न करने वाली विद्या है, और विद्या ऐसी है जिससे धन प्राप्त हो सके, तो ये जीवन के छह सुख है। तो आज हमारा लेसन यहाँ पर खत्म होता है, तो इससे अगली वीडियो में देखेंगे आप इन चार श्लोकों के पठित अवबोधनम। तो आज के लिए इतना है।